हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएनपी कैंपस। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वॉयस पार्ट टू। क्लियर है? आज हम लोग वॉयस का सेकेंड पार्ट पढ़ने वाले हैं, और जितने भी लोग इसका पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके वो पहला पार्ट देखें, ठीक है ना? जो वॉयस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है ना? और मैंने नरेशन भी आपको पढ़ाया हुआ है, तो वो भी आप जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है? तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, और कल हमने कुछ बातें कर ली थी, जैसे टेंस का चेंजेस मैंने बात कर लिया था, कैसे बदलता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब और ऑब्जेक्ट कैसे चेंज होता है। आपको एक ही मोड याद रखना है कि ऑब्जेक्ट सबसे पहले आके सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट आपका जाके ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्लियर है? और वर्ब की थर्ड फॉर्म हम रखते हैं और ऑब्जेक्ट के पहले बाई रखते हैं, इसके बाद यहाँ पे एच बी। क्लियर है? यही आपको प्रारूप पूरा याद करके रखना है और अंत तक यही काम आएगा, ठीक है ना? तो हम एक एक करके सारी चीजों पे बात करेंगे, और आज हम लोग टेंस मतलब एक्टिव से कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे वो टेंस परिवर्तन का भी रूल्स जानेंगे हम लोग, ठीक है ना? तो बने रहिए, आज देखते रहिए, ठीक है? चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एक एक करके। साउंड और ऑडियो वीडियो क्वालिटी सबको क्लियर और बेहतर होगा, ठीक है? चलिए मैं भी एक बार चेक कर ले रहा हूँ। चलिए आई थिंक सब कुछ क्लियर है, ठीक है ना? चलिए देखिए, पहला जो टेंस है, इसके पहले मैंने कल प्रेजेंट इंडिफिनिट वाली बात कर चुका था मैं, ठीक है ना? कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का किस तरीके से बदलता है और किस तरीके से नहीं बदलता है। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंड रूल का, ठीक है ना? जिसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी देखिए, यानी एक्टिव वॉइस में अगर इज एम आर आ जाए तो हम चेंज कर देते हैं इज एम आर प्लस बींग, ठीक है ना? ये एक्टिव वॉइस का है और ये पैसिव वॉइस का है, और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है। ये बात आप लोग समझ के रखिएगा, ठीक है ना? और देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे, ये जो सब्जेक्ट वाला ना, ये यही सब्जेक्ट चेंज होके यहाँ पे चला जाता है और यही वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे चला आता है, ठीक है ना? अगर हेल्पिंग वर्ब रहता है, मैंने आपको उस दिन बताया था, जितने भी टू बी वर्ब्स हैं, टू बी वर्ब जिन्हें हम लोग टू बी वर्ब कहते हैं, जैसे कि इज एम आर वाज वर, तो पैसिव वॉइस में जब इनके साथ बनाते हैं हम लोग तो बीइंग ऐड कर देते हैं इसमें, ठीक है ना? अर्थात बी ई आई एन जी ऐड हो जाता है, ठीक है ना? आइए क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, चीजों को समझेंगे जानेंगे, ओके? चलिए जैसे देखिए, हमको सबसे पहले इसमें तीन चीजों को निकालना है। देखिए जैसे ही आपका हो गया सब्जेक्ट, इज आपका हो गया एच भी, राइटिंग आपका हो गया एम भी, और ऑल लेटर आपका हो गया ऑब्जेक्ट। क्लियर है? हमने क्या बताया था आपको, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे हम लोग। देखिए हो जाएगा अ लेटर, देखिए इज दिया हुआ, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हम वर्ब भी क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। और पैसिव वॉइस में इसके साथ हम लोग क्या जोड़ देते थे, बीइंग, बीइंग अ लेटर इज बीइंग। क्लियर हो गया? इतना किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? अब देखिए सब्जेक्ट को, अरे ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना लिया, हेल्पिंग वर्ब लगा लिया, बीइंग लगा लिया, इसके बाद क्या लगाएंगे? देखिए रूल्स मैंने क्या बताया था, बीइंग के बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है? तो वर्ब की थर्ड फॉर्म देखते हैं, तो इसमें रिटेन है तो हम इसको बदल देंगे, सॉरी राइटिंग है तो इसको हम रिटेन में बदल देंगे, ठीक है? डब्ल्यू आर आई डबल टी ई एन, रिटेन। अब देखिए इसके बाद अब सब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, बाई लगाते हैं, और इसको मैंने बताया हुआ, ध्यान दीजिएगा, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, बी का ऑब्जेक्टिव केस अस, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू, और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, और सी का हर, इट का इट, ठीक है? अब देखिए दे का देम, ये इतने चीजें हैं कि जो सारी चीजें हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है ना? तो चलिए आई होप समझ में आ गया होगा आपको, ये क्लियर है? चलिए तो अब मैं इसको फिर से एक बार क्लियर करके बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना? जो समझ में नहीं आए आप पूछेंगे, और समझ में आएगा तो बेहतर ही, नहीं समझ में आता तो कमेंट करिएगा, और चैनल पे नए अगर हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है? ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और आप भी अपना कार्यक्रम करते रहें, ठीक है? चलिए अब देखिए यहाँ लिख दे रहा हूँ फिर से, इसको भी हम लोग रफ कर लेते हैं थोड़ा सा, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? मैं बनाते हुए चल रहा हूँ, ठीक है? देखिए जैसे कि मैंने क्या होता है, अ लेटर, अ लेटर इज रिटेन बाई हिम, क्लियर?
क्लियर है। ऐसे देखिए, अ सांग आपका ऑब्जेक्ट होगा, सबसे पहले लिखेंगे और सांग, अ सांग, इसके बाद इज लिखेंगे, इसके साथ बीइंग लगाएंगे, इसके बाद देखिए इसका हम थर्ड फॉर्म रखेंगे तो संग, इसके बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो बाई भावना। क्लियर है? देखिए जैसे इसका है, देखिए ये आपका रहा पूरा का पूरा सब्जेक्ट, एच बी मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे पहले, यहां पर हो जाएगा द मैच, देखिए द मैच आर, अच्छा देखिए द मैच है तो यहां पे आर लगाएंगे कि इज लगाएंगे आप पहले बताइए। देखिए जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो वाला तब हम लोग इज का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे जब प्लूरल की बात आएगा तब हम जाके आर लगाएंगे अन्यथा इज लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। द मैच इज बीइंग, बीइंग देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए वॉच्ड, ठीक है, बाय द स्टूडेंट्स। एक चीज समझिए, सब्जेक्ट के अनुसार ही हम लोग हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं ना, तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा। क्लियर है ना? जैसे यहां देखिए श्वेता इज आंसरिंग द क्वेश्चन, तो द क्वेश्चन इज बीइंग आंसर्ड बाय श्वेता, देखिए जैसे हो जाएगा द क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज बीइंग आंसर्ड By Shweta, clear? The question is being answered by Shweta. Clear है इतना? I hope clear समझ में आ गया होगा। तो ये present continuous का था rule, जिसको हम लोग is mr रहता था तो हम being में change कर देते थे, ठीक है ना? अब अगला tense हम लोग देखते हैं। अगर voice में present perfect tense आ जाए, क्या आ जाए? Present perfect tense, यानी subject आ जाए, फिर has have आ जाए, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए और ऑब्जेक्ट आ जाए, तो हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं? इस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले हम यहाँ रख देते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार रखते हैं और उसमें बीन को ऐड कर देते हैं, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई और प्लस सब्जेक्ट। क्लियर है इतना? किसी को डाउट है ना? चलिए ठीक है, आई होप दैट सबको समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे एक एक चीजों को, ठीक है ना। जैसे देखिए, जैसे कि नूतन has written this letter, देखिए इसमें एक चीज आपको क्लियर करना है, सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि सब्जेक्ट क्या। देखिए नूतन इसमें सब्जेक्ट है, has आपका एच बी है, रिटेन आपका मेन वर्ब है, दिस लेटर आपका ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे? दिस लेटर। देखिए तो दिस लेटर, दिस लेटर, इसके बाद has been, has been कहां से आया? बात समझ में आ रही है? has been, इसके बाद क्या आएगा? रिटेन, हैज बिन रिटेन बाय नूतन। क्लियर है ना? सब में एक ही रूल्स करना है आपको, ठीक है ना। देखिए जैसे द प्लेट्स आपका ऑब्जेक्ट हो गया, इसको पहले लिखना है। देखिए यहां पर हो गया द प्लेट्स, प्लेट्स है सिंगुलर है, ठीक है ना। नाउन में जब एक बात और समझिए, देखिए मैं यहां बता दे रहा हूं, नाउन में जब हम यस या ईएस जोड़ते हैं तो नाउन आपका प्लूरल हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज हम वर्ब में करें, यस या ईएस को ऐड करें, वर्ब आपका सिंगुलर हो जाता है। क्लियर है? देखिए यहाँ नाउन है और नाउन में यस या ईएस जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो हम उसमें हैव जोड़ देंगे, ठीक है ना। हैव बीन वॉश्ड, सॉरी बी डबल ई एन रहेगा, बीन वॉश्ड बाय हिम। देखिए ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, आगे मैंने बताया हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए जैसे अगला है कि तेंदुलकर हैज थ्रोन द बॉल्स, क्या करेंगे? सबसे पहले इसको हम पहले लिख देंगे, ठीक है ना। देखिए द बॉल्स पहले लिखेंगे, क्लियर है। तेंदुलकर सबसे बाद में लिखेंगे, तेंदुलकर के लिखने के पहले हम लोग बाई का प्रयोग कर देंगे, ठीक है ना। इस वाले क्वेश्चन को आप बनाइएगा, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ कि द बॉल्स हैज, सॉरी द बॉल्स हैव बीन थ्रोन बाय तेंदुलकर, ठीक है ना। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको, इन दोनों का बताएंगे आप, ठीक है ना। जैसे दे हैव कट ऑल टेलीफोन वायर, ठीक है ना, आप इन दोनों का ऐसे भाई मुझे कमेंट में लिखकर बताएंगे, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा एच बी और ये रहा मेन वर्ब,
और जितना सब बच जाता है आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है? चलिए तो इसका इन दोनों का आंसर बना के आप खुद मुझे कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए कुछ और है, देखिए समवन हैज स्टोलन माय वॉच, याद आप आ रहा है आपको, मैंने बताया था कि समवन, नो वन, एवरीवन, इन सब का पैसिव वॉच नहीं बनता है, इसका क्या हो जाएगा कि माय वॉच हैज बीन स्टोलन, बस इतना ही हो जाएगा, ठीक है ना, कि माय वॉच यहाँ पे रहेगा, देखिए माय वॉच, माय वॉच हैज बीन स्टोलन, देखिए इस समवन को हम लोग पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं रखेंगे, ठीक है, जैसे आई हैव टोल्ड अ लाई, ठीक है ना, देखिए सब्जेक्ट एच बी मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, क्या करना है अलाई इधर कर देना है, अलाई इधर, इसको इधर कर देना है, बीच में इसको हैव बीन टोल्ड बाई मी हो जाएगा, ठीक है ना, देखिए अलाई हैज बीन टोल्ड बाय मी, क्लियर है, डाउट नहीं है। चलिए चलते हम लोग अगले नेक्स्ट टॉपिक पे अपने, जैसे दिया सिंपल पास्ट टेंस का दिया हुआ, देखिए सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म रहती है और ऑब्जेक्ट तो ऑब्वियसली बात है रहता ही रहता है, ठीक है ना, देखिए जब अगर ऐसे आ जाए तो हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे सबसे पहले, इसके बाद वाज वर्ब लगाएंगे, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय, देन सब्जेक्ट, क्लियर है, ये तो आपका रहा सिंपल पास्ट टेंस का रूल। आइए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं इसको, ठीक है ना, ऐसा तो नहीं ना बहुत ज्यादा सीरियस हो जा रहा है कार्यक्रम, कोई बात नहीं। चलिए देखिए जैसे दिया हुआ है ही स्टोल माई बुक, क्या करेंगे, देखिए ये माई बुक है आपका ऑब्जेक्ट हो गया, स्टोल आपका मेन वर्ब हो गया और वो भी सेकेंड फॉर्म हो गया, ही आपका हो गया सब्जेक्ट, सबसे पहले इसको रखेंगे हम लोग, हो जाएगा माई बुक, देखिए बुक सिंगुलर है ना इसलिए वाज लग गया, ठीक है ना, माय बुक वाज स्टोलेन, स्टोलेन बाय हिम, क्लियर है, देखिए पास्ट इंडेफिनिट रहता था बालक, अब किसमें बदल देते थे, वाज और वाज और वर्ब में बदल देते थे, देखिए वाज और वर्ब में बदल देते थे, क्लियर है, अभी कंटिन्यूअस वाला भी आगे चलेंगे हम लोग, पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है, जैसे देखिए अजय स्पोक द ट्रूथ, हो जाएगा The truth was spoken by Ajay. देखिए The truth was spoken by Ajay. ले रहे जैसे the mad dog with the beggar. इसका और इसका इन दोनों का आप खुद बनाएंगे, कमेंट में लिखेंगे, ठीक है ना, बना के आप बताइए, क्लियर समझ में आ गया होगा आपको, सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, सब्जेक्ट देन वर्ब देन ऑब्जेक्ट, जैसे देखिए सब्जेक्ट द मैड डॉग, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है ना, देखिए बीट आपका वर्ब है, द बेगर आपका ऑब्जेक्ट बन जाना चाहिए, दिनकर सब्जेक्ट है, रोट आपका मेन वर्ब है और दिस पोएम आपका ऑब्जेक्ट है, आप इसका बना के मुझे खुद बताएंगे, ठीक है ना, अभी तो पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए ऐसे ही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वाला, अगर एक्टिव वॉइस में ही वाज और वर आ जाए, हम पैसिव वॉइस में इन हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग कर देते हैं, बाकी सारा सेम प्रोसेस वही रहेगा, ठीक है ना, मतलब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट के पहले वो सब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके पहले बाई लगाते हैं, फिर उसके पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है बालक आपका क्या चीज, He was writing a letter. देखिए ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा एच बी, ये रहा आपका मेन वर्ब और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, कुछ नहीं करना है, ऑब्जेक्ट को पहले लिखना है, हमने लिख दिया पहले जी लेटर, इसके बाद वाज दिया है, बिल्कुल वाज ही रहेगा, इसके बाद बीइंग को हम लोग ऐड कर देंगे, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रिटेन हो जाएगा, फिर इसके बाद बाई ही का ऑब्जेक्टिव केस, देखिए राइटिंग में ना सिंगल टी रहता है लेकिन रिटर्न में डबल टी रहता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। ऐसे एक द फार्मर्स वर सोविंग द सीड्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, द सीड्स वर
बीइंग, सॉरी यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगा, ठीक है, थर्ड हो जाएगा, ठीक है, बाय द फार्मर्स, क्लियर है। अब देखिए इन का आप बनाएंगे, देखिए ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, मैं लिख भी दे रहा हूँ, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। इनका पैसिव वर्ब आप खुद से बनाएंगे। देखिए यहाँ पर है सब्जेक्ट, वाज आपका एच भी, ये किम रहेगा नॉट, राइटिंग आपका मेन वर्ब और लेटर आपका ऑब्जेक्ट। अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए इसको भी अच्छा है, पहले इसको बनाएंगे हम लोग, हो जाएगा अ लेटर वॉज नॉट बींग बाई हर टू हर हस्बैंड, इसको लास्ट में ही ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पे लास्ट में ऐड हुआ है तो हम लोग भी लास्ट में ही ऐड करेंगे इसको, ठीक है ना। चलिए ये वाला मैं बता दे रहा हूँ, इसको आप लोग बनाइएगा खुद से, ठीक है ना, मैं इसको बता रहा हूँ, ठीक है ना, इसको मैं बताऊंगा और आप देखेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए जैसे कि क्या करना है, और लेटर यहाँ हो जाएगा और लेटर वॉज नॉट बींग बाय हर, फिर हो जाएगा टू हर हस्बैंड, क्लियर है ना, आई होप दैट यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। जो आपको समझ में नहीं आएगा पूछेंगे आप लोग। नेक्स्ट रूल आपका ये है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का कैसे बनता है। देखिए सबका रूल्स तो एक ही जैसा है, ठीक है, बस आपको यही पहचानना है कि कौन सा टेंस का परिवर्तन किस टेंस में होता है, क्लियर वाला। जैसे देखिए यह है पास्ट परफेक्ट टेंस, क्लियर है, इतना किसी को डाउट नहीं। पास्ट परफेक्ट क्या होता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब हैड होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी रहती है, और इसके बाद आपका रहता है ऑब्जेक्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए ऑब्जेक्ट को हम लोग बदल देते हैं, ऑब्जेक्ट को बदलते हैं हम लोग सब्जेक्ट में। देखिए ये ऑब्जेक्ट उठ के यहाँ चला आएगा, इसके बाद हैड बीन, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। आइए एग्जांपल तो समझते हैं हम लोग, दिया है कि ही हैड, ही यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये आपका मेन वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट। सब में प्रक्रिया की जैसी है, इस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले हम सब्जेक्ट बनाएंगे, लेटर देखिए हैड दिया हुआ है, फिर हैड रखेंगे, फिर बीन ऐड कर देंगे, हैड बीन रिटेन, के बाद बाय हिम, क्लियर है, समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत नहीं ना। चलिए एक नॉट वाला बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, फिर बाकी आप बताइएगा। दे जैसे सब्जेक्ट है, हैड नॉट आपका एच बी है, डन आपका मेन वर्ब है, डियर होमवर्क आपका ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डियर होमवर्क, डियर एच डब्ल्यू कर दे रहा हूँ होमवर्क को, डियर होमवर्क हैड नॉट बीन बाय देम, क्लियर है। और इन दोनों का आप बताएंगे, मैं चूज कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, जैसे सब्जेक्ट ये हो गया, हेल्पिंग वर्ब ये हो गया, मेन वर्ब हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो, ऐसे इसमें देखिए सब्जेक्ट एच भी कि ये ऑलरेडी जो होता है बालक ना, वो एडवर्ब भी होता है, ठीक है ना, वांड इसमें मेन वर्ब है, ठीक है ना, और ये आपका ऑब्जेक्ट, क्लियर है। इसको आप बाद में भी जोड़ सकते हैं, पहले भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए तो इन दोनों का आप पैसिव वॉइस बना के दिखाएंगे, क्लियर है ना, ये आपका होमवर्क रहेगा, क्लियर है। तो हम लोग आज के लिए बस इतना ही करेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जो पहला पार्ट नहीं देखा है वो जाके सबसे पहले वो पहला पार्ट देखे, कैसे कैसे चीज़ें परिवर्तन होती है, कैसे नहीं होती है, तभी आपको बिल्कुल और बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करूंगा कि आप जाके पहले बढ़िया से देखें, उसको पढ़ें, रिलेशन भी मैंने पढ़ाया हुआ, आप उन सब चीज़ों को देखें। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।